दोस्तों, आगामी 2 अगस्त को शिवरात्रि है, जिसकी तैयारी जिले भर में पुलिस प्रशासन कर रहा है। तैयारी पूरी की जा चुकी है। शिव भक्त भी बोल बम 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 के जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई नौकरी के लिए तो कोई शादी के लिए हरिद्वार से जल लेकर आ रहा है। मगर एक अलग तरह का मामला शामली में देखने को मिला। आपको मैं बता देता हूँ, चरखी दादरी के गांव पड़ेगा नोरंगा पास, वहाँ के रहने वाले जिले सिंह और उनकी बहन मुकेश सर्पदंश से बचने के लिए कांवड़ लेकर आए हैं हरिद्वार से। ये शामली के शिविर में ठहरे हुए थे। मुकेश महिला है जिसने बताया कि पिछले करीब 5 साल से अधिक समय से उसे घर के बाहर ही 5 बार सांप ने काटने का प्रयास किया, जबकि 50 से अधिक बार उसे विभिन्न स्थानों पर वही सांप दिखाई दिया, जिसके कारण वह परेशान थी। उसने परिवार के सदस्यों को भी मामले की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों ने भी कई बार सांप को देखा। करीब 1 साल पहले मुकेश ने सर्पदंश से निजात पाने के लिए भगवान शिव के व्रत रखने शुरू किए थे। अब वह सर्पदंश से बचाव के लिए अपने भाई जिले सिंह के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंची। कहा कि उसे विश्वास है कि अब कांवड़ लाने के बाद सांप उसे नहीं दिखाई देगा। हालांकि चिकित्सक इसे महिला को स्नेक फोबिया बता रहे हैं। शामली के ACMO डॉक्टर अतुल बंसल का कहना है कि महिला या फिर उसके परिवार के सदस्यों को स्नेक फोबिया हो सकता है। इसमें इंसान को लगता है कि सांप उसे काट रहा है। फोबिया एक तरह की मानसिक बीमारी होती है जो इंसान के मन में किसी भी चीज़ को लेकर डर पैदा करती है। स्नेक फोबिया जिसे हो जाता है उसे सांप ही दिखाई देते हैं। अब हम महिला मुकेश से ही जानेंगे सांप की क्या है कहानी। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में? हरियाणा में पड़ता है। कौन से जिले में? दादरी जिला। आप जल लेके आए हो हरिद्वार से, क्या मनोकामना थी आपकी? सांप दिख रहा था। सांप कब से दिख रहा था आपको? 8 साल। कहाँ दिखता था सांप? धरती पर। फिर आपने क्या किया? कांवड़ बोली, बहु बोली कि फिर बंद हो गया। कब से फिर बंद हुआ? मैंने सोमवार से शुरू कर दिया। सोमवार से? कितने व्रत रखे आपने? मन तो कढ़ाई करे है। अब सावन सावन का मैंने फिर पक्ष है। मैं सावन का व्रत। कितनी बार आपको सांप ने काटने का भी प्रयास किया? 5 बार। फिर मैंने कांवड़ बोलती बहु बोली थी मैं लाऊंगी। आपके भाई भी आपके साथ है जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, आप बताइए कब चले थे आप जल लेकर हरिद्वार से? 8 बजे। और गांव में जाके आप जल अभिषेक करेंगे? क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा से हो आप? आप जल लेके आए हो, क्या मनोकामना थी? भाई मैंने ना दिखी, मैंने कभी दिखना नहीं था, बाकी मैं डर। कोई सांप दिखता था आपको? हाँ। कितने समय से दिख रहा था? कई साल हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल से? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोमवार करने लगी, हर बार पड़ेगी कांवड़ बोलती थी। कुशांग जी, आपके यहाँ शिविर में एक महिला और उनके भाई आए हुए हैं, जिनको महिला को 5 बार सांप ने काटने का भी प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने कांवड़ बोल दी थी। क्या है मामला? आपने भी उनसे बात की है? हमारे यहाँ जो एक शिव भक्त कांवड़िए हैं, दोनों भाई बहन हैं, जो चरखी दादरी हरियाणा के निवासी हैं, और उनके मुताबिक कई बार 4 से 5 बार उन्हें सांप ने कसने का प्रयास किया या सांप उन्हें बार बार दिखता रहा, जिसमें उन्होंने फिर भगवान भोलेनाथ की कांवड़ चढ़ाने की बोली। और जब से उन्होंने ये लिया था कि हम कांवड़ लेकर के आएंगे, तभी से उन्हें वो सांप दिखना दिखाई देना या उन्हें डसने का जो वहम था वो चीज़ें खत्म हो गई। उसी मनोकामना के साथ वो आज अपने भाई के साथ यहाँ पहुँच रही है, जो कि अपने चरखी दादरी के लिए गंगा जल लेकर के हरिद्वार से निकली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।